दोस्तों, आज का किस्सा 40 साल तक सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस माला सिन्हा का है। माला सिन्हा के चाहने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। उनकी फिल्में आज भी जब टीवी पर आती हैं, तो लोग रिमोट को साइड में रखकर बैठ जाते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माला सिन्हा एक्टिंग ही नहीं, सिंगिंग से भी लोगों को अपना दीवाना बना चुकी हैं। लेकिन आज के इस किस्से में हम आपको माला सिन्हा की फिल्मों की नहीं, बल्कि उनकी वो कहानी बताएंगे जब उन्होंने अपने करियर के दौरान वेश्यावृत्ति का रास्ता अपनाया था। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ, ये तो आप हमारी वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, माला सिन्हा का जन्म 11 नवंबर 1936 को कोलकाता में हुआ था। माला सिन्हा ने बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। उन्होंने शुरुआत में कई बंगाली और नेपाली फिल्मों में काम किया था। माला सिन्हा ने बतौर मुख्य अभिनेत्री हिंदी फिल्म बादशाह से अपने करियर की शुरुआत की। उनकी ये फिल्म साल 1954 में आई थी। इसके बाद माला सिन्हा ने प्यासा, धूल का फूल, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, आंखें, गीत और ललकार सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1950 से 1970 के बीच माला सिन्हा सबसे ज्यादा कामयाब और पॉपुलर अभिनेत्री थी। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अपने दौर में माला सिन्हा ने देवानंद, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और शम्मी कपूर सहित सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया था। उन्होंने साल 1994 में आखिरी फिल्म जिद की थी। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्मी करियर के दौरान माला सिन्हा वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर गई थी, लेकिन ये सच नहीं है। उन दिनों माला सिन्हा कामयाबी की बुलंदियों पर थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के फैंस को भी हैरान कर दिया था। माला सिन्हा के घर के बाथरूम में लाखों रुपए मिले थे और जब ये बात लोगों ने सुनी तो लोग दंग रह गए। खूब नाम और पैसा कमाने वाली माला सिन्हा के बारे में कहा गया कि वो कंजूस महिला थी। फिल्मी गलियारों में तो यहाँ तक चर्चा होती थी कि नौकरों पर खर्च बचाने के लिए माला सिन्हा अपने घर में खुद ही काम किया करती थी। एक बार माला सिन्हा के मुंबई स्थित घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। इस दौरान उनके बाथरूम की दीवार से 12 लाख रुपए बरामद हुए थे। उस जमाने में इतने रुपए बहुत मायने रखते थे। इनकम टैक्स के अधिकारी इस पैसे को जब्त करना चाहते थे, लेकिन इस पैसे को बचाने के लिए माला सिन्हा ने अदालत में बेहद हैरान करने वाला बयान लिख कर दे डाला था, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग सन्न रह गए थे। माला सिन्हा ने इन पैसों को बचाने के लिए लिख कर दिया था कि उन्होंने वेश्यावृत्ति करके ये रुपए कमाए हैं। ये बयान जब अखबारों की सुर्खियां बना तो माला सिन्हा के फैंस को जबरदस्त धक्का लगा। तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग इसे सच मान रहे थे तो कुछ लोग इसे झूठ मान रहे थे। ये कोर्ट में दिया माला सिन्हा का लिखित बयान था, लेकिन इसके पीछे एक और वजह थी। कहा जाता है कि माला सिन्हा के पिता एल्बर्ट इन रुपयों को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वकील की ये सलाह अपनाई और माला सिन्हा ने ये बयान दे डाला था। हालांकि इसके बाद माला सिन्हा को लोग गलत निगाह से देखने लगे थे। वहीं बात की जाए अभिनेत्री के आज की, तो ये 85 साल की हो चुकी हैं। पहले से काफी ज्यादा अलग नजर आती हैं। उनके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां आ चुकी हैं। वो किसी आम औरत की तरह ही नजर आने लगी हैं। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक समय बॉलीवुड पर राज किया था। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे माला सिन्हा के इस किस्से को सुनने के बाद, जो उनके फैंस के लिए वाकई शॉकिंग था? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।